इस मकबरे के बारे में जनाब महमूद अहमद अब्बासी साहब ने लिखा है। आपको बता दे, तारीख अमरोहा 1933 में लिखी गई थी और उसी समय महमूद अहमद अब्बासी ने इस मकबरे का हाल अपनी किताब में बयान किया है। वो जरूर इस मकबरे पर गए होंगे और घंटों यहाँ खर्च किए होंगे। ये किताब नायाब होती जा रही है, 2030 को ये पूरे 100 साल की हो जाएगी। फिलहाल इन 99 सालों में मकबरे की हालत जैसे महमूद अब्बासी के दौर में थी, वैसी बिल्कुल भी आज 2024 में नहीं है। आइए बताते हैं, इन बीते 99 सालों में इस पोस्ट के पैराग्राफ 1 में जो महमूद ने अपना दर्द इस इमारत की बीमारी को लेकर बयान किया है, उसकी कोई खास दवा नहीं हुई है, बल्कि ये बीमारी इस इमारत के लिए कैंसर बन गई है। और वो अहले शहर से मरम्मत की गुहार आज भी उस किताब के पन्नों पर ही पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई ज्याला ऐसा बीते 90 सालों में हुआ नहीं जो इसके दर्द की दवा कर सके। महमूद ने दो मीनारे गिरने का जिक्र किया है, आज पूरी तरह तीनों गिरकर उनकी ईंटों तक का नाम वो निशान बाकी नहीं है। ना मालूम किसके घर के फर्श में कूट दी गई हो। आखिरी और चौथी मीनार मकबरे से ऐसे अलग हो रही है जैसे वो रो रो कर एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, और कब गश खाकर चकराती हुई गुस्से में नशेड़ियों के सर पर आ गिरे।